श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। सिर्फ 54 साल की उम्र में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अभी तक उनका पार्थिव शरीर वापस वतन लौट नहीं सका है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक उनका शरीर मुंबई आ जाएगा, जिसके बाद मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रीदेवी की जिंदगी की तरह उनका परिवार अब उनकी अंतिम यात्रा को भी बेहद खास बनाना चाहता है। उनका अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के अनुसार ही किया जाएगा। श्रीदेवी को सफ़ेद रंग बहुत प्यारा था और उन्होंने एक दिन कहा था कि उनकी अंतिम यात्रा जब निकाली जाए तो वो सफ़ेद रंग के फूलों से सजाई जाए। श्रीदेवी की इसी अंतिम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब उनका परिवार जुट गया है। जहाँ श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, उस जगह को सफ़ेद मोगरा और गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा है। श्रीदेवी के सौतेले बेटे अर्जुन कपूर, देवर अनिल कपूर मुंबई में हैं और वो ही इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि श्रीदेवी का पोस्टमार्टम रविवार रात ही खत्म हो गया था, लेकिन रिपोर्ट आने में हुई देरी की वजह से उनके शरीर को देश लाने की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब जल्द ही श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भांजे की शादी में शिरकत करने पहुंची श्रीदेवी का शनिवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। जिस वक्त उन्हें दिल का दौरा आया, वो दुबई के होटल के कमरे में थी। उस वक्त उनके साथ परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही जब वेटर के दरवाज़ा ना खुलवाने पर श्रीदेवी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो बोनी कपूर को वहां बुलाया गया और दरवाजे को तोड़कर श्रीदेवी को अचेत अवस्था में पाया गया। इसके बाद अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये थी एक बड़ी खबर श्रीदेवी की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ी हुई।